तो यहीं से हम लोग नेपाल भी गए थे, आगे चौक है, तो चौक से हम लोग सीधा नेपाल चल जाते हैं और दहना घूम जाएंगे तो सिलीगुड़ी गुवाहाटी के लिए, आगे चौक मिलेगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग का खाना बनेगा अंडा कढ़ी या चावल, और अभी अंडा उबाल के निकाल लिए हैं, अब जाएंगे इसको छीलने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा डबक गया मेरा तरी, जो बनना था बन गया, अब ये अंडा इसमें डालते हैं। ये मेन रोड ऐसे है और थोड़ा सा ऐसे और बिहार घुसा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बॉर्डर नहीं कुछ नहीं, हम लोग उसको बंगाली समझते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 11 बज रहा है और हमारा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग बिहार के पूर्णिया में है, गुलाबबाग पूर्णिया इसको बोलते हैं, और उसका ये बाईपास शहर है, सिटी का अंदर से रास्ता है, ये बाईपास है, बहुत पुराना रोड है, जब हम लोग शुरू में चलते थे संतरा वगैरह लेकर के तो भी इसी रोड चलते थे, तो अभी तो ये रोड बहुत बढ़िया बन गया है, पहले थोड़ा सा ख़राब था तो हम लोग सिटी होकर भी चले जाते हैं अंदर से। तो यहीं से हम लोग नेपाल भी गए थे, आगे चौक है, वो चौक से हम लोग सीधा नेपाल चल जाते हैं और दहना घूम जाएंगे तो सिलीगुड़ी गुवाहाटी के लिए, आगे चौक मिलेगा वहाँ से। दोस्तों यहाँ भी रुके हुए हैं, अभी यहाँ से हमारा सफ़र 600 किलोमीटर का और है गुवाहाटी का, तो तब तक थोड़ा खाना वाना बना लेते हैं यहाँ पे, बहुत सा गाड़ी भी खड़ा है इधर, सब रुक के खाना वाना बना रहा अपना, तो सामने पम्प भी है, पेट्रोल पम्प भी है, जगह पार्किंग वाला है, रोड साइड में ही है, बहुत अच्छा जगह, मौसम भी बहुत अच्छा है, कभी छाया कर दे रहा है, कभी धूप कर दे रहा है, बीच में बारिश भी मिला हम लोग को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, उतना कड़ा धूप नहीं है, देख सकते हैं अभी बहुत अच्छा सा ठंडा ठंडा मौसम के, और पेड़ पौधा भी देख ही रहे हैं, ये सब बिहार में तो ये सब बहुत ज़्यादा रहता है खेती बाड़ी सब। तो ठीक है दोस्तों, अभी खाना बनाते हैं, उसके खाओगे निकलेंगे, फिर अपना 600 किलोमीटर का सफ़र, मुझे कल रात तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ गुवाहाटी। देखिए दोस्तों, आज हम लोग का खाना बनेगा अंडा कढ़ी या चावल, और अभी अंडा उबाल के निकाल लिए हैं, अब जाएंगे इसको छीलने के लिए, तो वही मतलब उसका पानी तो फेंक रहे हैं अभी, वो पानी फेंक के दूसरा पानी से इसको मतलब धोएंगे, ठंडा जाएगा तो उसको बढ़िया से छील लेंगे आराम से अपना। और उधर आलू भी उबाल के रख लिए हैं, और इधर अंडा आप छीलेंगे उसको ठंडाने दिए हैं, ताले इधर छील छाल के मतलब इसको कंप्लीट करके रखते हैं। दोस्तों रोहित का काम तो ख़त्म हो गया, चावल बन गया, ये आलू और प्याज वगैरह सब रोहित और सागर मिलके सब अपना कंप्लीट कर दिया, हम जा रहे सब्जी बनाने के लिए। और अंडा क्या है कि आज हम लोग को लेना नहीं था, लेकिन हम लोग जो जाम में फंसे थे, तो कल रात में हम लोग साथ में जो हुआ, जो सब्जी कुछ था नहीं, वो तो अच्छा हुआ सेव भाजी बचा हुआ था तो वो बन गया था, तो थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो देखे थे राशन का दुकान है, तो वहाँ ले कर रख लिया अंडा और आलू वगैरह, क्योंकि हमको पता नहीं सुबह तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा, फिर गाड़ी कहीं जंगल में रहा तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए अंडा ले कर रख लिए थे कि दूसरे दिन काम तो देगा। लेकिन हम लोग रात में 2 बजे 2:30 बजे निकल गए थे वहाँ से, वो भी जग कर रहना पड़ गया, तो नहीं तो बहुत ड्राइवर सोया हुआ रह गया रास्ता में, वो तो अच्छा हुआ कि मेरा नींद थोड़ा कम है, कोई भी गाड़ी बगल से पार होता है तो कुछ आवाज़ आता है, नींद खुल जाता है मेरा, तो हम देखे कर लाइन तो बढ़ रहा है साइड से कट के, बहुत ड्राइवर सोया हुआ था, हम भी साइड से काट उठ के निकाल लिए और अपना निकल गए रात में, तो इसीलिए अंडा बना रहे हैं आज, क्योंकि अंडा गाड़ी में फूट जाएगा तो बर्बाद हो जाता है। दोस्तों अंडा को थोड़ा सा तलना पड़ता है, तल के निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर अपना प्याज व तलेंगे, फिर अंडा का कढ़ी बनेगा, अंडा कढ़ी आलू दे के चावल। दोस्तों अभी अंडा तल के निकाल लिए हैं, देख सकते हैं 3 आदमी का 6 अंडा, और अभी प्याज व तला रहा है, इसका तरी बनेगा, थोड़ा आलू भी दे के भून देंगे हल्का सा, उसका तरी बनेगा, तरी बना के फिर अंडा को डाल देना है उसमें। दोस्तों गाड़ी में ग्रीस नहीं मरा है, मतलब समय नहीं मिला, तभी ये ग्रीस वाला दिखा है, देखते हैं बात करते हैं, है ग्रीस है, कितना लेता है इसका ग्रीस, कैसा दिखा दो, ग्रीस वाला तो मिल गया है एक। मारो बढ़िया से मारो, समय निकलना चाहिए हाँ। दोस्तों ग्रीस वाला आ गया, मिल गया, उससे बात भी कर लिया, पैसा भी सही बोल रहा है, कोई गलत पैसा नहीं बोल रहा है, ऐसे बिहार में तो बहुत चीज़ सस्ता है भी, कहीं कहीं 120 10 20 लेता है, यहाँ 70 रुपये ले रहा है, हालांकि मेरा छोटा गाड़ी 6 चक्का है, उस हिसाब से ठीक है। ग्रीस भी दिखाया, ग्रीस भी अच्छा लगा, तो जा रहे हैं ग्रीस भी करवा ले रहे हैं, तब तक खाना भी बनेगा और ग्रीस भी होगा। देखिए दोस्तों अभी बहुत दिन बाद ग्रीस मरा रहे हैं, और ग्रीस वाला भी बहुत दिन बाद मिला, ऐसे भी तो करीब 1 महीना हो गया ग्रीस नहीं मराए हैं, अभी मरा रहे हैं ग्रीस। दोस्तों देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, आलू भी डाल दिए हैं, अब इसे थोड़ा पहले पानी डालते हैं, जितना तरी रखना है उस हिसाब से पानी डाल देते हैं, मसाला को अच्छी तरह से भून दिए, टमाटर भी डाल दिए हैं, टमाटर भी ले लिए थे, अब जब वो खोलेगा एक बार उसके बाद हमको अंडा इसमें डालना है, एक बार ढकने देते हैं,
उसके बाद। देख सकते हैं दोस्तों पूरा डबक गया मेरा, तरी जो बनना था बन गया। अब ये अंडा इसमें डालते हैं आराम आराम से। अंडा तो काफ़ी ज़्यादा ही था, लेकिन थोड़ा बताया था आप लोगों को पिछला ब्लॉग में मेरा थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है, तो ऐसे भी मेरा जैसे बीपी लो है तो डॉक्टर बोला कि उबाला हुआ अंडा आप खाया कीजिए, तो मिल जाता कहीं तो खा लेते हैं। बीपी लो वाले को अंडा उबाल के खाना चाहिए। ये देखिए अब मतलब लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा पानी सुखाएंगे और अंडा में जो कट मारा हुआ है उसके अंदर भी तरी जाएगा, उसके बाद अपना सब्जी बनकर रेडी है। फिर उसको अभी ढक देते हैं इसको। दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज चुका है और हमारा खाना बन गया, आप देख सकते हैं पूरा एकदम तरी वाला बना है, गाढ़ा तरी। और अभी क्या है ना कि यहाँ मौसम देखिए अभी थोड़ा धूप हो गया, अभी छांव था फिर धूप फिर थोड़ा बारिश, तीनों किस्म का मौसम यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अभी हम लोग खाना ना खा के, क्योंकि रात तो जग गए थोड़ा वहाँ पे जाम में, तो आधा घंटा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। आज रात में हम लोग सिलीगुड़ी पार कर जाएंगे, हो सके तो सुबह सुबह हम लोग बॉर्डर में रहेंगे अपना आसाम का बॉर्डर में, कोशिश तो यही है। लेकिन अब रास्ता में जाम और ये लेकिन लफड़ा हो जाता है बात अलग है, लेकिन अपना टारगेट वही है कि आज रात में सिलीगुड़ी पार कर जाएंगे और सुबह सुबह अपना अपना बॉर्डर जो आसाम का वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों अभी खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा देर आराम करेंगे, चले जाएंगे। तो खाना खा कर निकल गए हम लोग और अभी एक छोटा सा बाज़ार है इसको पार कर रहे हैं, और अभी यहाँ से किशनगंज 50 किलोमीटर है। तो किशनगंज क्या ना कि वो मतलब यहाँ पर ऐसा पार्ट में बटा हुआ है कि हम लोग पहले झारखंड ये बिहार से इन करते हैं बंगाल में, फिर किशनगंज जो बिहार आ जाता है फिर बंगाल आ जाता है, तो उसमें मतलब कि बॉर्डर वॉर्डर नहीं है खाली अपना। अभी 12-13 किलोमीटर यहाँ चलेंगे तो यहाँ के बाद बंगाल आ जाएगा। बिहार जो ऐसे घूम के ऐसे करके है, और कई बार आदमी को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग इधर पुराना चले हुए हैं तो हम लोग को पता है किशनगंज एरिया जो है वो बिहार आ जाता है, और फिर इस पार बंगाल और उस पार बंगाल इस टाइप का वहाँ नक्शा में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों अभी हम लोग बिहार का लास्ट करने वाले हैं, अब हम लोग बंगाल इन करेंगे। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बॉर्डर, ये बिहार का बॉर्डर है, बंगाल में तो खैर है ही नहीं। और ये देखिए लास्ट एरिया है ये बिहार का, ये सामने सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, अब जाते हैं यहाँ का जो सिस्टम है वो पूरा करके फिर निकलेंगे आगे। दोस्तों बॉर्डर का तो काम हो गया अपना, हम लोग अब निकल गए हैं, अब हम लोग बिहार बंगाल यून करने वाले हैं। अब आप लोग बताया था ना कि थोड़ा सा और बीच में बिहार पड़ता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो मतलब वहाँ कुछ नहीं है सबको, ये मेन रोड ऐसे है और थोड़ा सा ऐसे और बिहार घुसा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बॉर्डर नहीं कुछ नहीं, हम लोग उसको बंगाली समझते हैं। दोस्तों अभी तक का सफ़र हमारा 200 किलोमीटर तो कट चुका है, ज़्यादा धूप नहीं है तो देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हरा भरा है इधर, और ठंडा ठंडा मौसम है इसमें सफ़र कट जाता है इसमें। अब ज़्यादा गर्मी उगर रहता है तो फिर गाड़ी नहीं चला पाते हैं ना, तो उसके लेकर सफ़र थोड़ा कम कटता है। और देख सकते हैं इधर का नज़ारा, मतलब ये हम लोग बंगाल इन कर चुके हैं लेकिन अभी भी जो है बंगाल बिहार का मिला हुआ है यहाँ, यहाँ का भाषा जो अभी भी हिंदी है। अब थोड़ा और अंदर चले जाएंगे तब बंगला भाषा मिलना चालू हो जाएगा। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुका है और हम लोग आ गए ढाबा पे। तो ये ढाबा हमको इसलिए ध्यान में था कि पिछले बार जब हम गुवाहाटी आए थे तो ढाबा हमको बहुत अच्छा लगा था, सुबह सुबह यहाँ हम रुके थे हम यहाँ पर नाश्ता और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, तो नाश्ता भी मिलता है तो सुबह नाश्ता भी हो जाता है और जो खाना खाने लगा खाना भी, और पार्किंग का भी जगह बहुत लंबा चौड़ा है इसका, देख सकते हैं मेरा गाड़ी खड़ा है पूरा लाइन से गाड़ी खड़ा है, दरवान वगैरह सब है यहाँ पर। तो क्या ना कि नया जगह पर आदमी जहाँ दरवान गाड़ रहता है उसी जगह रुकना चाहिए, इसीलिए कि हम उस जगह पर ही लगाते हैं, भले रात के 11 बज गया कोई बात नहीं है। और सुबह से हम जो चल रहे हैं सो अभी कम से कम 350 किलोमीटर सफ़र मेरा हो चुका है, और ज़्यादा नहीं और 250-300 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ से गुवाहाटी जहाँ जाना है। तो कल दिन भर में हम लोग सफ़र कर लेंगे पूरा, पहुँच जाएँगे गुवाहाटी का भी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, इतना परेशान हो रहे थे रास्ता में, कई जगह जाम भी लग गया बारिश के कारण, कोई गाड़ी उड़ी एक दूसरे को ठोक दे रहा है तो उसके चलते जाम लग जा रहा है, तो उसके चलते हमको रिक्स लेना बेकार है इस सब जगह में, क्योंकि गाड़ी कई बार छोटा गाड़ी स्लिप करता है कोई क्या करता है, तो बारिश जब होता है रात में तो हम गाड़ी ऐसे भी नहीं चलाते हैं। तो ठीक है तो देख सकते हैं पूरा गीला गीला पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा बारिश हो रहा है इधर,
तो अभी चल रहे हैं खाने के लिए, खाना वाना खा के आते हैं, उसके बाद फिर सोएंगे यहाँ पे और सुबह उठ के चलेंगे। दोस्तों आ गए होटल में खाने के लिए, और यही आज का खाना हमारा खा रहे हैं, आलू ये पनीर और मटर पनीर, मटर पनीर आज का हमारा खाना हो रहा है। ठीक है, अभी खाना खाते हैं। दोस्तों खाना तो खा के आ गए और खाना तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर क्या नहीं, कल हमारा और 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर लगभग चलेंगे तो बंगाल मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर अपना आसाम का चालू हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा आसाम का एरिया, आसाम का बॉर्डर भी, और हम लोग आसाम में जो सफ़र करेंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा। इधर तो आप लोग पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग चायपत्ती बगान इधर बहुत ज़्यादा दिखता है, चायपत्ती का बहुत ही ज़्यादा इधर खेती होता है। इधर धान उन हम देखे नहीं कभी, मतलब बहुत ही कम साइड में होता है, वो बात अलग है, लेकिन चायपत्ती का ही यहाँ पर ज़्यादा है बगान वगैरह। तो ठीक है दोस्तों, कल नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा चायपत्ती के बगान वगैरह। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।